प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल टू हंड्रेड सिक्स इज हैं उनको Niderians भी कहते हैं. ऑल्सो नोन एज निडेरिया दिस नेम ऑफ निडेरिया इज ड्यू टू सिंगल कैविटी सिलंट्रॉन यानी इनको सिलंट्रॉन कैविटी की वजह से सिलंटेट्स कहते हैं और इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं नीडो ब्लास्ट इनकी वजह से इनको न्यूडेरियंस भी कहा जाता है न्यूडेरियंस हैव टिश्यू बट डू नॉट हैव और सिस्टम इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमने स्पॉन्जिस की बात की तो स्पॉन्जिस जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अंदर बाकायदा टिश्यू फॉर्मेशन नहीं थी इस फाइलम के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन है लेकिन इनके अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गे की अगर, इनकी के अगर हम बात करें, तो बॉडी है उसको किसी भी से दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है अब अगर हम इनकी जर्म लेयर्स की बात करें तो इनका जो ब्लास्टूला है उसके अंदर दो जर्म्स लेयर्स हैं, यानी एक्टोडम और एंडोडम इसी वजह से इनको डिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं अब ये देखने में आया है कि जो निडेरियंस हैं इनके अंदर एक्टोडाम और एंडोडाम के अलावा एक थर्ड लेयर भी मौजूद है जिसको मिजोगलिया कहते हैं और ये जो मिजोगलिया है जो कि एक जेली की तरह की लेयर है इसके अंदर लिविंग सेल्स भी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद कि इसके अंदर लिविंग सेल्स मौजूद हैं इसको ट्रू लेयर कंसीडर नहीं किया जाता डिटेल इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि इनके अंदर जो मिजोगलिया है उसके अंदर जो लिविंग सेल्स हैं वो इस लेयर के अपने नहीं है बल्कि या तो ये एक्टोडर्म से मूव करके आते हैं या फिर एंडोडम से मूव करके आते हैं इस वजह से इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ही कंसीडर किया जाता है उसके अलावा इनके अंदर नो सेपरेट बॉडी कैविटी कोई सेपरेट बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं है दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इट हैज ए सिंगल अपरचर माउथ बट डू नॉट हैव एनएस इनकी बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग है विच सर्व एज ए माउथ एज वेल एज एज ए एन एस उसके बाद देर थ्रू बॉडी सर्फस बाय डिफ्यूजन यानी इनकी जो बॉडी है डायरेक्टली वहां से गैस एक्सचेंज पॉसिबल है इनके अंदर कोई स्पेशलाइज सिस्टम मौजूद नहीं है इसी तरीके से दिट थ्रू बॉडी सर्फस बाय डिफ्यूजन यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं या एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए बॉडी से एक्सचेंज हो जाते हैं उसके अलावा सेगमेंटेशन आर एबसेंट इन द इन दैम टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन दैम विच एक्ट एज एपेंडिज इनके अंदर एक स्पेशल फीचर ये है कि इनके अंदर टेंटिकल्स मौजूद है और ये जो टेंटिकल्स हैं इनके ऊपर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं निमेटोसिस्ट ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है इसकी मदद से ये प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं और उसको कैप्चर कर सकते हैं उसके अलावा दे आर मोस्टली मैरीन एक्वाटिक एनिमल्स एंड आर फ्री लिविंग यानी मोस्टली ये जो एनिमल्स हैं ये एक्वाटिक हैं अब अब अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज ए और इसकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सी, पैन, सी फैन ये सारे इवन जो कोरल हैं वो इनकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसी तरीके से अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जो कि सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है इनके अंदर जो सिमिट्री है वो रेडियल सिमिट्री है ये जो फाइलम है इनके जो मेंबर्स हैं वो डिप्लो ब्लास्टिक इनकी बॉडी के अंदर एक ही कैविटी होती है और ये कैविटी एक ही सुराख के जरिए के क्मुनिके, कम्युनिकेट करती है बाहर के इन्वायरमेंट के साथ यानी इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ का, का काम भी करे और एनएस का काम भी करे उसके अलावा इनके अंदर स्पेशल फीचर यह है कि इनके बॉडी के अंदर टेंटिकल्स हैं जिनको ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा इनके अंदर ऑर्गन ऑफ ओफेंस एंड डिफेंस मौजूद हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं ये जो निमेटोसिस्ट हैं इनको इस्तेमाल करते हुए ये अपने प्रे को पैरालाइज करते हैं उसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं इनके अंदर थर्ड लेयर मिजोग्लिया की फॉर्म के अंदर मौजूद है लेकिन ये ट्रू लेयर नहीं है क्योंकि इनके अंदर अपने सेल्स मौजूद नहीं होते उसके अलावा ये जो फाइलम है ये मोस्टली इसके जो मेंबर्स हैं वो इक्वेट्रिक हैं हाइड्रा इस फाइलम की एग्जांपल है इनके अंदर जो पावर ऑफ रिजनरेशन है वो काफी हाई होती है यानी एक हाइड्रा जो है इसके हम अगर छोटे छोटे टुकड़े भी कर दें तो हर टुकड़े के अंदर यह सलाहियत है कि वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाए। उसके अलावा जो हैं, हैं। वो इसके है। कोरल रीफ की जो फॉर्मेशन है वो इसी फाइलम के मेंबर्स की वजह से होती है इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मौजूद है लेकिन इनके अंदर जो टिश्यूज हैं वो अरेंज होके वकायदा ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं करते ये एक सिंपल एनिमल फायदा है इनके अंदर जो गैस एक्सचेंज है या जो प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज है वो सिंपल बॉडी के जरिए हो जाता है अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कोई खास नर्वस सिस्टम नहीं है इनकी बॉडी के ऊपर एक नर्व का नेट है जो कि सेंसिटिव है टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टमलाय